बेचारा आप लोग देखते हो एक हफ्ता से घर नहीं आया है, कभी अम्मा भाभी, कभी अम्मा के पास, कभी पापा के पास, कभी अम्मा के पास, एक जान बेचारा। आपकी अम्मी की तबीयत खराब हो जाए। नहीं, हमारी तबीयत ठीक है। तो चलो अभी अभी गर्मी बहुत है, लेकिन बाहर ऑटो में कैसे जाऊंगी? कांच बंद रहेगा पर एसी चालू रहेगा। अरे तैयार हो गया? तब लोगों की दुआओं से अम्मा ठीक हो गई, क्योंकि आ गई, मेरा बुखार ठीक हो गया। बस अम्मी की बस आप बहुत दिल से बेटा शुक्रिया, तुमसे तुम्हारे लिए ऐसी दुआ करूँगी। तुम हमारे लिए करते हो, हम आपके लिए ऐसे ही दुआ करेंगे कि अल्लाह ऐसे ही खुश रहो। ऐसे दोनों को देख देख के पापा कहते हैं कि शाम को देख के मेरी आधी तबीयत ठीक हो जाएगी। हिम्मत आती होगी पापा को ना, मोशन में लगा पेट में कि मेरे मोशन का क्लियर हो गया क्यों? ठीक है, दाल रोटी, दाल रोटी, कलेजी खाओ, कलेजी। डॉक्टर ने बोला कलेजी खाओ। दीपिका श्री इब्राहिम और पूरी इब्राहिम फैमिली ट्रॉल होती है। कहा जाता है कि इब्राहिम फैमिली रिश्तों की कदर नहीं करते, और आपको हम ये वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अम्मी रो रही है, बिलख रही है अम्मा और पापा के लिए। दीपिका श्री इब्राहिम किस तरह से ख्याल रखते हैं, और एक पैर पर वो हॉस्पिटल में खड़े रहते हैं। अम्मा और पापा एक साथ हॉस्पिटल में थे, लेकिन उन्होंने दिन रात उनकी सेवा की। और श्री इब्राहिम की बात की जाए तो वो चाहे घर के कोई भी मेम्बर हो या फिर अपनी वाइफ हो, तो किस तरह से वो ख्याल रखते हैं। आपने देखा होगा कि वो किस तरह से दीपिका का भी डिलीवरी के वक्त ख्याल रखते नजर आए। उन्होंने घर का रुख तक नहीं किया, दिन रात वो हॉस्पिटल में रहे। जिस तरह से पापा अम्मा हॉस्पिटल में रही, तब भी दीपिका श्री इब्राहिम ने मिलकर उन दोनों का ख्याल रखा। अम्मी जिस तरह से परेशान थी अम्मा और पापा के लिए, उससे कहीं ज्यादा वो अपने बेटे के लिए भी परेशान थी, बहू के लिए। उनका कहना था कि दिन रात मेरा बेटा शुएब ना सोता है, ना ही खाता है पीता है, सिर्फ एक पैर से माँ और अम्मा की सेवा कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि एक माँ जब औलाद के लिए दुआ करती है तो वो दुआ अर्श पर जाती है। आज दीपिका श्री इब्राहिम के साथ अपने की ही दुआएं हैं जो आज उनके काम आ रही हैं, जो आज वो माशाल्लाह बहुत खुश हैं। और आपके कहना इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। आपसे ज्यादा चाहते हैं, वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा।